दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा था वो आज से समाप्त हो गया। आज शाम को 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक लग गई और अब मतदाताओं से प्रत्याशी सीधे संपर्क करेंगे। इस चुनाव के बीच में तमाम सब कुछ चला, यानी कि जब तक चुनाव प्रचार चला, लोगों का आना जाना, नेताओं का यहाँ वहाँ होना, सब कुछ होना, ये सब कुछ चला। पर आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए। उसी मुद्दे पर आपके साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता शामिल हुए उनका नाम है अशोक तंवर। मैं उनको कह सकता हूँ कि कांग्रेस के एक्स नेता अब कांग्रेस के प्रेजेंट नेता बन गए। कांग्रेस के एक्स, आम आदमी पार्टी के एक्स, तृणमूल कांग्रेस के एक्स और अब बीजेपी के एक्स, फिर वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट कांग्रेस। अशोक तंवर का हरियाणा की राजनीति के अंदर दलित समाज के साथ बड़े नेता के रूप में नाम जोड़ा जाता है। अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़े और एक बार वहां पर सांसद बने, 2014 के चुनाव के दौरान में उनको बनाया गया था। 2014 के चुनाव जब चले थे और उसके बाद में उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से कांग्रेस ने हटा दिया और उनकी जगह बना दिया कुमारी सहजा को अध्यक्ष। कांग्रेस में जब तक अशोक तंवर रहे उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में 36 का आंकड़ा रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ उनकी बनी नहीं और हुड्डा साहब पर उन्होंने तमाम प्रकार के आरोप, लांछन दुलांछन सब कुछ लगाए। आज जब वो कांग्रेस में वापसी कर रहे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको कांग्रेस का अंग वस्त्र पहना करके, जिस पर कांग्रेस का हाथ का निशान था वो लगा करके उनका पहना करके स्वागत कर रहे थे। खैर, इस मुद्दे पर बाद में आपके साथ आऊंगा। जब वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए उनके हुड्डा साहब से जो तकरार थी वो तमाम सब कुछ था, तो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जब उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया तो अचानक से ही उन्होंने अपना मूड चेंज कर लिया। हालांकि कांग्रेस में रहे तो सही, कांग्रेस छोड़ी उन्होंने बाद में। पहले 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा सिरसा से उन्होंने कांग्रेस से, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उनके अपने कुछ प्रत्याशियों को टिकट भी दिलवाए, जिनको टिकट नहीं मिला उनको कहीं और एडजस्ट भी कराया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद में अशोक तंवर चले गए तृणमूल कांग्रेस में, ममता दीदी की पार्टी में। ममता दीदी की पार्टी को छोड़ा और उसके बाद वो चले गए आम आदमी पार्टी में और अरविंद केजरीवाल को देश का सबसे बड़ा नेता बताया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़ा और छोड़ने के पीछे कारण बताया क्योंकि इंडिया गठबंधन बन रहा है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिल रही है, इसलिए उन्होंने कहते हुए कि वो उस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे जिसमें कांग्रेस होगी, उस पार्टी को छोड़ दिया आम आदमी पार्टी। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो एक नया रिश्ता भी जुड़ा, मामा भांजे का। मनोहर लाल जी कहा करते थे कि अशोक तंवर तो मेरा भांजा है, खोया हुआ भांजा। खोए हुए भांजे को मनोहर लाल जी ने बड़े शिद्दत के साथ में और तमाम भाजपा के नेताओं ने पार्टी में शामिल कराया, उनको लोकसभा का सिरसा का टिकट दिया। सिरसा के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए बड़ी बुरी तरह से वो चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद में आजकल वो कहीं शायद उन्होंने विधानसभा का टिकट भी मांगा होगा जो नहीं मिला उनको। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के टिकट के लिए जो उनकी सिरसा की पुरानी सांसद थी सुनीता दुग्गल, उनको चयनित कर लिया और हदिया से उनको टिकट दे दिया। शायद ये नाराजगी होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि अशोक तंवर की कांग्रेस में जाने की भूमिका कैसे बनी, अशोक तंवर कांग्रेस में गए कैसे। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर आप देखें तो पिछले लंबे समय से एक शीत युद्ध चल रहा था। उसको आप अंतर्कलह कह सकते हैं, उसको आप अंतर्द्वंद कह सकते हैं, या जो कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर था कि कुमारी सहजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं तनातनी जरूर थी। आज सुबह भी कुमारी सहजा श्रीमती सोनिया गांधी के निवास पर गई थी उनसे मिलने के लिए। कुमारी सहजा गई थी श्रीमती सोनिया गांधी से मिलने के लिए और उसको लेकर के भी तमाम जो अखबार नवीस, मीडिया कर्मी और सियासत में रुचि रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने उस मुलाकात को एक बड़े घटनाक्रम में देखा था। लेकिन दोपहर ढलते ढलते
राहुल गांधी महेंद्रगढ़ में पहुंचे थे रैली करने के लिए राव दान सिंह के लिए, और उस मंच पर पहुंचे थे अशोक तंवर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अशोक तंवर के एक समर्थक एक नेता है, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, वो अशोक तंवर जी के साथ ही रहा करते थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी कि बीजेपी का एक बड़ा विकेट गिरने वाला है। हालांकि हम उस समय समझ नहीं पाए थे कि वो किसके लिए कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अशोक तंवर का यूं जाने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जब अशोक तंवर शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, तो अब फिर सियासतदान इस केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स बनाने में लगे हैं कि आखिर ये जो केमिस्ट्री बनी उस मंच पर जहां पहुंचे, वो राव दान सिंह का सजा हुआ मंच था। राव दान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सबसे नजदीक समर्थक हैं। राव दान सिंह को टिकट दिलवाने में चाहे लोकसभा का और चाहे विधानसभा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा योगदान रहा। उस मंच पर फिर राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने उनका खैर मकदम किया अशोक तंवर का, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको पहनाया पटका। और जो मैं आपको बता रहा था कि सियासतदान सोच रहे हैं कि इस केमिस्ट्री का जो मैथमेटिक्स का निकलेगा, इस केमिस्ट्री का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि सियासी केमिस्ट्री हो चाहे एजुकेशनल वाली केमिस्ट्री, जब तक दोनों फॉर्मूले मैच नहीं होते तब तक उसका रिजल्ट कोई नहीं बनता। अब सियासी लोग इसका अंकगणित ये लगा रहे हैं कि क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुटों के बीच जो तनातनी चल रही है, हालांकि अगर माने तो हुड्डा साहब के पास चौधरी उदय भान जैसा मजबूत कद्दावर दलित नेता पहले से मौजूद है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है चौधरी उदय भान। हरियाणा की राजनीति में चौधरी उदय भान का अपना नाम भी है, 4 बार के विधायक भी है, इस समय भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अशोक तंवर को लाने के बाद में, क्योंकि अशोक तंवर आते हैं सिरसा से, अशोक तंवर उसी सिरसा और अंबाला की राजनीति करते हैं जहां की राजनीति करती है कुमारी शैलजा, तो क्या अशोक तंवर के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा संदेश देना चाहते हैं? अब चुनाव में मात्र, अब जिस समय आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद में जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए लगभग मात्र 40 घंटे के आसपास बाकी बचेंगे। इस 40 घंटे के अंदर क्या अशोक तंवर हरियाणा के अंदर कोई करिश्मा कर सकते हैं? क्योंकि अशोक तंवर इतने बड़े करिश्माई नेता तो मुझे दलित नेता के रूप में नजर आते नहीं। तो क्या किसी करिश्मे की उम्मीद में लाया गया है, और या फिर जो दलित राजनीति की कंट्रोवर्सी है उसके तहत अशोक तंवर को हुड्डा साहब कांग्रेस में लाए? क्या अशोक तंवर की एंट्री हुड्डा साहब के माध्यम से हुई, और या फिर उन्होंने पार्टी आला कमान से कोई संपर्क किया? क्योंकि अशोक तंवर और उनकी धर्मपत्नी, जो उनका रिश्ता गांधी परिवार से है, श्रीमती सोनिया गांधी से, वो भी किसी से छुपा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में अशोक तंवर को कांग्रेस में शामिल होने के बाद में राजनीति के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर कौन सा संदेश अग्रेषित करने का प्रयास किया गया कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राहुल गांधी द्वारा? अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने से क्या भारतीय जनता पार्टी को सिरसा लोकसभा में खासकर कोई सियासी नुकसान हो सकता है, और कांग्रेस को कोई फायदा हो सकता है? और बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की सियासत में अशोक तंवर की अगली भूमिका कौन सी होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।